नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के धामपुर से नहटोर थाना प्रभारी की शिकायत करने पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर से नहटोर थाना प्रभारी के लिखित में शिकायत करने आए कई ग्राम के प्रधान व दर्जनों लोग। आपको बताते चलें, धामपुर तहसील क्षेत्र के कस्बा नहटोर के थाना प्रभारी जय कुमार सिंह के खिलाफ ग्रामीणों में जबरदस्त रोष देखने को मिला। ग्राम प्रधान मिर्जापुर के दानिश ने बताया, उनके गाँव के पास नदी के रास्ते पर पानी बह रहा था। बाहर से आए मेहमानों को छोड़ने गए ग्रामीण रिजवान अहमद जब मेहमानों को छोड़कर वापस रास्ते से लौट रहे थे, तभी अचानक वहां रात्रि गश्त करने आए नहटोर के थाना प्रभारी जय कुमार सिंह ने बिना कुछ मालूम किए रिजवान पर लाठी से वार कर दिया, जिस पर रिजवान की टांग में फ्रैक्चर हो गया। जैसे ही ग्रामीणों को मारपीट की जानकारी गांव में रिजवान ने दी, ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। आज सैकड़ों लोग गांव में एकत्र हुए और थाना प्रभारी के खिलाफ उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के लिए धामपुर आ रहे थे, लेकिन जिला पंचायत डॉक्टर रफत ने उन लोगों को वहीं रोक दिया और 3 से 4 गांव के ग्राम प्रधान और दर्जनों लोग पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल से मिले और लिखित में शिकायत की। धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल ने ग्राम प्रधान व लोगों से वार्ता की और उन्हें आश्वासन दिया और उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही। वहीं संबंध में जब हमने हमारे थाना प्रभारी नहटोर जय कुमार से वार्ता की तो उन्होंने मारपीट की घटना से इनकार किया है। बिजनौर जिला ब्यूरो शमीम अहमद की रिपोर्ट। कल हमारे यहाँ पुलिस की गाड़ी आई थी गश्त में और हमारे भाई अपने मेहमानों को पुल से पार करवा रहे थे रास्ता। वहीं पुलिस ने बिना पूछे गाड़ी रोक के इस लड़के को बहुत ज़्यादा। कहाँ की पुलिस थी? नहटोर एसएचओ की गाड़ी थी और इनको इतना मारा, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। क्या एसएचओ नहटोर उसमें खुद थे? एसएचओ नहटोर खुद थे, उनके हमराही साथ में थे। मैं इनको धामपुर सीओ साहब के यहाँ लेकर आया हूँ। धामपुर मारपिटाई का कोई आज उन लिखित में शिकायत करी है आपने? एसएचओ नेटवर्क ने शिकायत पत्र दिया है, जिससे सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का समाधान। अच्छा, इनके पैर में फ्रैक्चर है? जी, इनके पैर में फ्रैक्चर है। एक्सरे रिपोर्ट रात कराई थी। प्रधान जसमोरा शकील अहमद, हमारे गाँव में एक पंचायत मिर्जापुर है और उसके पास में एक नसीरपुर की पंचायत है। पुलिस की गाड़ी आती है रोज़ शाम को टाइम तो यहाँ आके गुंडागर्दी करते हैं। कोई खड़ा उसे पीट देती है पुलिस, इसका क्या मतलब है? प्रशासन को चाहिए कि ढंग से काम करे। दूसरी बात यह है कि एक लड़का हमारे यहाँ MBBS है, डॉक्टर आसिफ, उसके पिताजी बैठे थे, एक इंतकाल हो गया था निसार अहमद अंसारी का, आए और पीट दिया। अब किसी सम्मानित आदमी को पुलिस पीटेगी तो इसका क्या मतलब है? तो प्रशासन अपनी आदत सुधार ले, मनमानी ना करे, ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी भी आदमी को पीट दें, 3-4 लड़कों को पीट दिया, एक के पैर में फ्रैक्चर हो गया, आवेगी गाड़ी कभी किसी को छेद देंगे कभी किसी को छेद देंगे, ये क्या मतलब है? मेरी समझ में बात नहीं आ रही। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन व्यवस्था सही करे। आपने सीओ साहब से या मैंने अभी तक सीओ साहब से कोई बात नहीं करी, मैं झूठ नहीं बोलने का बिल्कुल भी। हमने हल्का इंचार्ज से और एसओ साहब से और ये पुलिस वालों से सबसे बात कर ली कि ये क्या बात है। अब वे कह देते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो अब हमारे गांव में ऐसी कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।